आज मेरे श्रोता हो, इस प्रकार से जो सुना है नागिनी ने अहलम दे के मुख से के मैया ने के अमृत मंगवा दे, मेरे पिया के प्राण बचा दे, मेरे दिल को धीर बना दे। एकदम से बोले लड़के लड़के लड़की, क्या कह रही है तू? हाँ मैया, मेरे पिया हैं। पिया? अरे तेरे पिया कहां से आए? किसका नाम ले रही है तू? मैया, मेरे पिया के प्राण बचा दे। अरे कहां है वो? क्या सुन बेटी के बेनो लगियो के न तुरत में तारी। अरे तू अमृत तो को का करेगी बता दे मेरी प्यारी, तू अमृत तो को का करेगी बता दे मेरी प्यारी, तू अमृत तो को का करेगी बता दे मेरी प्यारी। आज बंधु ललकार के कहने लगी है नागिन, ओ बेटी अरे क्या करेगी तू अमृत का? अरे सुन बेटी के बेन लगियो के न याद महतारी, याद महतारी, तू अमृत को का करेगी बता दे मेरी प्यारी, तू अमृत को का करेगी बता दे मेरी प्यारी। मुझे ये बता दे कि तू पिया 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 रट रही है। अरे मुझे ये तो बता दे आखिर वो है कहा, तू क्या करेगी अमृत का? हाय हाय, अहलम दे एकदम से लिपट जाती, मैया मैया वो मैया मैया, मैंने जो कहा है वो बात सत्य है, तुम कैसे करके पिताजी के पास से अमृत मंगवा दो, मैं अपने पिया को जिंदा कर लूंगी। लेकिन बंधुओं नागिन नहीं समझ पाई इस बात को कि बिटिया कह क्या रही है। हा अरे नागिन जो कहने लगी रे के बिटिया सुन ले मेरी, सुन ले मेरी, मत है गई कैसे भंगर का बिटिया देखी तेरी, मत है गई कैसे भंगर का बिटिया देखी मेरी। आज बंधु इस प्रकार से कहने लगी है वो नागिनी, अरे ओ बिटिया ये तू क्या कह रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तेरी काटा चल देख वो मारी संग में दी, ओहो मेरी बिटियारी, आहा मेरी बिटियारी, अकली पे पथरा तेरे पड़े गए हैं, तेरी गोदी गई है कोराई मेरी बिटियारी, अकली पे पथरा तेरे पड़े गए हैं। तो एकदम से बंदो नागिनी कहने लगी, ओ लड़की ओ लड़की ओ लड़की, तू ये क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे मैया मैया ओ मैया, नेक तू अमृत मंगवा दे, मेरे पति के प्राण बचा दे। अरे बेहा तू क्या कुल खिला रही है मेलों में, मुझे तो ये पता ना है, क्या ये सच है तू कह रही है? अरे मैया वो जो है ना कमरा में, कमरा में, हाय दैया जा मुड़ी नहीं का करो, हाय मैं तो जाए ऐसे ही समझती, लेकिन जी तो कमाल कर रही है।
अरे अपने पति की तरस कराए दे, अपने पति की तरस कराए दे। ओ बिटिया, अरे तू ओ इधर आ। क्या बात है माँ, चल चल। अरे अपने पति की तरस कराए दे, अपने पति की तरस कराए दे। अरे दिल मेरे को बिटिया धीर बंधाए दे, मेरे दिल को धीर बंधाए दे। मेरे महाराज रे जा ढबते नागिन काई राई। आज कहने लगी है कि ओ लड़की, अरे ओ एलमदे, अरे मैं भी तो देखूं वो कहाँ है तेरा पति, किसको तू पति पति बड़ी देर से कहती चली जा रही है। मैया आओ ना मैया साथ मेरे। अरे सुन मैया के बेनरे, बुटिया को खुशी अत छाई। अरे सुन मैया के बैनर खुशी तो आती छाई, ओ सुन मैया के बैनर खुशी तो आती छाई। लेके मैया को साथ रे कमरा में बिटिया आई, लेके मैया को साथ रे कमरा में बिटिया आई। सांस लेकर के एहलम दे हाय कमरा में पहुंच गई और कहने लगी मैया देख, महाराज भीम को सुंदर देखो रूप, और मगन नागिनी भई तयो बिटिया को सुंदर रूप। ओरी मैया, ओहो मेरी मैयारी, मरे पे कितनी अच्छी लगी रहे हैं, ये तो जिंदे पे करेंगी री कमाल। मेरी मैयारी मरे पे कितने अच्छे लगी रहे हैं, जिंदे पे करेंगे कमाल मेरी मैयारी। कहने लगी ओ मैया देखो देखो मैया, मेरे पति को कितनो सुंदर रूप है, हाय मरे पे जब इतने अच्छे लग रहे हैं तो जिंदे पे कितने अच्छे लगेंगे। हाय मैया ने देखो भैया जो पर्वत को पर्वत, गजगान की गजगान, पूरे कमरा में डरो। एकदम से मैया कहने लगी चिको नागिनी ओ बिटिया, हाय जो कोई आदमी फादमी ना आई तो बवंडर है, तू का उठा लाई है जी, कैसे तू लाई मुझे तो यही समझ में ना आ रही। आज बंधु नागिन एकदम से आंखें लाल करके और वहां से चली जाती और कहने लगी अरे बिटिया तूने ये बहुत बुरा किया है, अभी मैं तेरे पिता को बुलवाती हूँ। हाय हाय मैया तो कह के चली गई, लेकिन आज वो दुखिया बैठ जाती है, कहने लगी पिया मैं क्या करूं, कैसे कहूं, किससे दिल की बात कहूं, कोई तो नहीं समझता है। अरे नागिनी रोई रही, हाय के नागिनी रोई रही, कर कर याद पति की भैया। नागिनी रोई रही,
कर करी याद पतिया अपने की नागिनी रोई रही कर करी याद पतिया अपने की अरे नागिनी रोई रही कर कर याद पति अपने की नागिनी रोई रही कर कर याद पति अपने की नागिनी आज कहने लगी वो सैया के गोलो सैया सैया एक बार मुख से बता दो ओ सैयान का बोल सुनाए दे 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 अरे मेरे दिल को धीरा बंधाए दे मेरे दिल को धीरा बंधाए दे आए का धीरा जा खोई रही पिया एक बार बोलो अरे कदी राजा खोई रही कर कर याद पति अपने की नागिनी रोई रही कर कर याद पति अपने की एक बार आंखें खोलो अरे तो बिना सैया अब न बचूंगा तो बिना सैया अब न बचूंगा अरे तो बिना सैया अब न बचूंगा तो बिना सैया अब न बचेंगी अरे रोई रोई अपने प्राण तजूंगी रोई रोई अपने प्राण तजेंगी रोई रोई सैया प्राण तजूंगी रोई रोई सैया प्राण तजूंगी अरे क्या शुद्ध बुद्धि खोई रही अरे क्या शुद्ध बुद्धि खोई रही कर कर याद पति अपने की नागिनी रोई रही कर कर याद पति अपने की नागिन उस कमरे में रोधन करने लगी कहने लगी सैया सैया ओ सैया आके खोलो एक बार अपने मुख से बोलो पिया मैं कैसे तुमको आजिया पाऊंगी भोलेनाथ ने कहा था मुझसे के पिता से अमृत मंगवा करके अपने पिया को तू जिंदा कर लेना लेकिन मैया से कहा तो मैया ने कोई भी मेरी ओर धीर नहीं रखा पिया अब मेरा कोई नहीं है सुबह तुम्हारे अरे कैसे मैं अमृत मंगवाऊं कैसे मैं अमृत मंगवाऊं अरे कैसे मैं अमृत मंगवाऊं कैसे मैं अमृत मंगवाऊं अरे कैसे सजना तोई जगाऊं कैसे सजना तोई जगाऊं अरे आए खबर कछु नहीं रही अरे खबर कछु नहीं रही कर कर याद पति अपने की नागिनी रोई रही कर कर याद पति अपने की नागिनी रोई रही कर कर याद पति अपने की आज बंदे इस प्रकार से रो रो करके सर पटक पटक करके आज उस लाश पे सो जाती है बंदो इधर देखिए क्या होता है कपासिक करवे सेलो गयो फिरे मेल सुनो सरदारी
सैया कुआवत देख रे नागिनिए वही देख त्यारी सैया कुआ बत देख रे मागाना भाई प्यारी सैया कुआ बत देख रे मागाना भाई प्यारी। आज मेरे बंधु इधर में सहन करने के लिए बस एक चल देता है महल की ओर तो क्या दशा है। अरे बासिक करवे से न गयो फिर महल सुनो सरदारी सुनो सरदारी सैया कुआ बता देख रे मगन है गई प्यारी सैया कुआ बता देख रे मगन है गई प्यारी सैया कुआ बता देख रे मगन भाई प्यारी। तेरे आवा तेरी जोत जलावा एहो शगन मनावा अंबे मां मैया मैनू दर्शन दे मैया मैनू दर्शन दे मैया मैनू दर्शन दे मैया मैनू दर्शन दे। आज मेरे बंदो इस प्रकार से जैसे ही देखा है पिया को हाय हाय नागिन आज एकदम से मगन हो जाती कहने लगी हाय हाय अब मैं इस कहानी को बिटिया की को कहां से शुरू करूं पिया मेरे आ रहे हैं हाय मैं भेद नहीं छुपाऊंगी उनको सब कुछ बता दूंगी क्यों हाय महलन में गजब ही है गो जा लाड़ों पे हम कितनों लाड़ लड़ाते रहे लेकिन हमें ये तक पता नहीं पर घर में लाश आ गई। नागिन यो कहने लगी री अरे पति तुम सुन ले हो पानी नागिन यो कहने लगी रे सुनो जी ये तकारी नागिन यो कहने लगी रे क्या सुन ले हो तुम ये तकारी कुआरी कन्या को देख के है पाप लगे अति भारी कुआरी कन्या को देख के है पाप लगे अति भारी महाराज करो पति बिटिया को याधीर अरे कुमार चेत में पड़ के सैया देखो प्राणी अधीर आज कहने लगी सैया सैया ओ सैया गजब है गो क्या कहना चाहती हो नागिनी हाय पिया महलन में गजब है वो कैसे ओहो मेरे सैया जी मेरे बलमा जी काबू मारे को बिटिया ले आई काहू मारे को बिटिया ले आई मेरे दिया धक्का धक्का होई मेरे सैया जी काहू मारे को बिटिया ले आई
से। नागिन कहने लगी, ए पिया तुम तो हर राज काज में भूलियो के महलन में कुछ हो रहा है कि नहीं। अरे क्या हो रहा है, क्या बात है? महाराज गजब है गो, अरे बिटिया काऊ की लाश उठा लाइए और कहने ये कि मेरे जे पिया हैं न के अमृत लाए दो। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया लेकिन तुमने एक बात ना सोची कि हमारी महलों में बिटिया सियानी हो चुकी है, लेकिन अब क्या करें। हाय अब ना कई कट जागी जो काऊ ने सुन ली तो। बासिक कहने लगे, धीरे बोलो धीरे, क्या ये सच है? हाँ। अरे बासी को कह बात बिगड़ेगी, बासी को कहे बात बिगड़ेगी। कहने लगी, अरे ओ नागरी, महलों में तुम रहती हो, मैं रात में लगा रहता हूँ राजकाज में, लेकिन यदि किसी ने सुन लिया गजब हो जाएगा। अरे बास को कहे बात बिगड़ेगी, बास को कहे बात बिगड़ेगी। अरे नागिन कहे बिटिया तो मरेगी, नागिन कहे बिटिया तो मरेगी। मेरे महाराज रे जाधवते नागिन काई राई, मेरे महाराज रे जाधवते नागिन काई राई। इस प्रकार से बासक तो कहता है कि बात बिगड़ जाएगी, और इधर में नागिन कहती है कि पिया यदि तुमने न सुना ओ अमृत ना दो तो बिटिया मर जाएगी। बासक कहने लगे, खबरदार जो हम कह रहे उसको करो, उससे कह दो जाकर के उस लाश को अरे उठा के कहीं फेंक आवे, हम अमृत नहीं दे पाएंगे। नागिन बोली, सैया ए सैया तुमने तो यही ते कह दई, लेकिन बाकी मन की बात ना पूछी, यदि ऐसा न करो तो वो मर जाएगी बेलन में। आज बंदो देखिए, इधर में माता पिता की बात सुन रही है, अब इधर वो दुखिया महल में कमरा में अपने पिया के पास बैठी और क्या बोली है। तो एक कैसी आ गई नींद पिया तेरी दासी रही रे जगाई रे, तो एक कैसी आ गई नींद पिया तेरी दासी रही जगाई। सजना सजना आके खोलो, तो कैसी आ गई नींद पिया तेरी दास रही जगाई रे। अपनी पागल कुमरे सैया दियो बोलो सुनाई रे, अपनी पागल कुमरे सैया दियो बोलो सुनाई रे, अपनी पागल कुमरे सैया दियो बोलो सुनाई रे। लगी पिया, अरे तुम्हारे पीछे मैंने क्या क्या नहीं किया है। अरे तेरे पीछे पलमों मैंने अरे शंकर की धुनी लगाई रे, अरे तेरे पीछे मैंने बाल में शंकर की धुनी लगाई रे। अरे अपनी दासी को मेरे बलमा दीजे बोलो सुनाई रे, अपनी दासी को मेरे सजना दियो बोलो सुनाई रे,
अपनी दाती को मेरे सही आती जो बोला सुनाई रे हीरा बंधाई रे अरे ओ मेरे सजना दियो हीरा बंधाई रे अरे भर भर हेला किला सके ऊपर मैया से बतराई रे भर भर हेला किला सके ऊपर गैया सी डकराई रे कहा है बंदो इधर में रोने लगी है नागिन तो मेरे भगवत प्रेमियों इधर देखिए क्या होने लगा है आगे अरे बिटिया की हटा देख के है नागिन पंचो बोली पंचो बोली ओ बिटिया की हटा देख के अब नागिन पंचो बोली बिटिया की हटा देख के नागिन पंचो बोली आज कहने लगी हो तू मरे मत इधर देख मेरी ओर तो क्या बोली है वो मैया भैया बोली मैं तेनो अकल बताई रे के ऐसे भैया बोली मैं देऊंगी अकल बताई रे के ऐसे वीरन बोली मैं तेनुई अकल बताई रे के ऐसे भैया बोली कहने लगी ओ बिटिया दे मेरे गौर से सुन तू मरे मत मैं तो को अकल बता रही हूँ सॉरी मेरी लली के मैं देखी तूंगी गेंद बनाए तू खेलियो पिता दरबार देखी है कुंड में दियो गिराई अरे मैं तो को गेंद बना दूंगी ओ वह गेंद लेके तू अब सखियन के संग चली जाइयो तो कुंड के नजदीक ही खेली और वहां पैरे पे खड़े होंगी लेकिन तो को रोके तो तू जिद पर जाइयो और जिद पर के वहीं पे खेल खेलियो जानबूझ के तू कुंड में गेंद डाल दियो और रो रो के वही गेंद है तू मंगा लियो तो बामे अमृत आ जागो और इस तरह से बेटी तेरो जो पति है वो जीवित है जागो बोले ठीक मैया तो मेरे भगवत प्रेमी आज इस प्रकार से हाँ वो बिटिया भूली नहीं समाई मैया ने गेंद बना दी और वह गेंद को लेकर के वहां से अहलम दी अपनी सखियों के साथ में चल देती है बोले चलो चलो और ही बहना चलो चलो गेंद को खेल खेलेंगे तो आज बंदो इस बहाने अपनी सखियों को साथ लेकर के सुधा कुंड पे पहुंची और वहां कुंड पे पहरा बहुत लग रहा था तो जो ही लड़कियों को देखा है तो पहरेदार कहने लगे ए लड़कियों आगे कहां जा रही हो इधर ही रहो उधर आगे कुंड है वहां जाना और खेलना मुनासिब नहीं बोले भैया ये जगह अच्छी है ना हम गेंद से खेलेंगे हमें यही खेलने दो बोले लड़की तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या एकदम से हेलम दे कहने लगी भैया हम पे रहम करो ना अरे हम तुम्हारे कुंड की तरफ नहीं जा रहे हम तो इधर ही खेलेंगे एक कहने लगो भैया ये राजा की लड़की है यदि इसने जाके शिकायत कर दी तो समझ लो
बोलो भैया हम पे का फर्क पड़ रहा हूं। चलो तुम्हारी जब ऐसी ही मर्जी है। लड़कियों इधर ही खेलना, सुधा कुंड की तरफ मिल जाना, वो हम ना जाएंगे तुम्हारी सौगंध भैया। तो देखिए मेरे भवत प्रेमी, आज खेल होने लगा है, लड़कियां उधर उधर फैल जाती हैं और कुंड पे खेल रचा दिया, तो देखिए क्या होता है। अब खेलत खेलत गेंदा रे तमाशो भैया कियो, अब खेलत खेलत गेंदा रे तमाशो भैया कियो। गेंद में एक दूसरी टोल मारती, एक दूसरे के पीठ पे देती है, कोई उछाल देती है। अब लड़की देख रही है वो नागिनी कब मौका मिले, तो धीरे धीरे सुधा कुंड की तरफ खेलते खेलते बढ़ती जा रही। भैया कैसे, अरे खेलत खेलत गेंद रे तमाशो भैया कियो, खेलत खेलत गेंद रे तमाशो भैया कियो। निशाना लियो अमृत देखो कुंड को हाई बांध निशाना दियो। देखिए बंधु आज लड़की ने एकदम से हाथ गेंद में, यानी जो ही गेंद में टोल दिया है उधर से लड़की ने उछा लिए गेंद, तब तक निशाना बांध के तैयार हो गई। अब हुआ क्या भैया, महाराज गेंद में तीनों टोल लगाई, अरे 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 तररर करके भैया गिरी कुंड में जाए, अरे 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 तररर करके भैया गिरी कुंड में जाए। भैया गेंद को सरसराटो होयो टोल मारो सो ही हाय, एकदम से पहरेदार कहने लगे लड़की लड़की ओ लड़की ओ लड़की, ये तूने गजब कर दिया। बोले भैया 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 मैं तो गेंद लेने जा, अरे गेंद लेने जा इधर। हाय लड़की वहीं खड़ी रह जाती है, ये जानबूझ करके तूने तमाशा किया है, खबरदार आगे बढ़ी तो लौट जा अपने अपने घर के लिए। अलमदे बोली भैया हमें गेंद दे दो ना, हमारी सखियां हैं सब गेंद खेल रही हैं, हम गेंद ही लेके। बोले गेंद का नाम छोड़ दीजिए, हमने तुझे गेंद दे दी ना तो उसमें अमृत भी जा सकता है, इसलिए हम तुझे गेंद नहीं देंगे। भैया दे दो ना, दे दो भैया दे दो। बोले अरे मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है भैया सुन लीजो, मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है भैया सुन लीजिए। ओ भैया भैया ओ भैया दे दो ना भैया। अरे मेरी मैया ने गेंद बनाई है भैया सुन लीजो, मेरी मैया ने गेंद बनाई है भैया सुन लीजो। और मंच
बोले भैया मैं रो रो के मर जाऊंगी, मेरी गेंद मुझे दे दो। अरे गेंद हमारी मोए दे दीजे, गेंद हमारी मोए दे दीजे। ओ भैया अरे गेंद हमारी मोए दे दीजे, गेंद हमारी मोए दे दीजे। अरे मेरी नेकी राजा सुनी लीजे, मेरी नेकी राजा सुनी लीजे। भैया मैं तो विनती करूँ तिहारी है मेरी सुन लीजे, मेरी मैया ने गेंद बनाई है भैया सुन लीजे। अरे मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है भैया सुन लीजे। लड़की जिद पर जाती है, कहने लगी भैया या तो मुझे गेंद को दे दीजिए, नहीं तो मैं रो रो कर यही प्राण गमा दूंगी। एक मंत्री बोलो अरे भैया भले मानस इस लड़की को दे दे, ये जिद्दी लड़की है, अंत राजा की लड़की खत्म हो गई तो समझ लो तुमको फांसी होगी। बोले भैया तो मैं क्या करूं, अरे राजा को हुक्म नहीं है। बोले हुक्म एक काम कर दो भैया। बोले क्या? अरे तुम कहने मान लो मेरी, अरे तुम कहने मान लो मेरी, अरे तुम कहने मान लो मेरी, अरे तुम कहने मान लो मेरी। अरे जाए दे दो गेंद निचोरी, अरे जाए दे दो गेंद निचोरी। आज बंदोबल कहने लगा है दूसरा मंत्री के, ओ भैया अरे हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, यह गेंद निचोड़ के दे दो। दूसरा बोलो भैया यदि राजा को पता पड़ गया जरा भी तो समझ लो दोनों के लिए फांसी हो जाएगी। कहने लगो काऊ कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। बोले बिटिया हाँ किसी से कहोगी तो नहीं, तुम्हारी सौगंध भैया हम काउते ना कहेंगे, लेकिन हमारी गेंद दे दो। मंत्री कहने लगा अब कर दो चोरा चोरी 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 रे चोरी, नहीं ना हक में मर जाए चोरी, नहीं ना हक में मर जाए चोरी। आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से वो जो दूसरा मंत्री था दौड़ करके गया सुधा कुंड में, पहुंचा गेंद को ले लिया हाथ में और वो मिसलने लगा है, तो दांत पीस करके वो गेंद को मिसला है, एक भी बूंद है उसमें न रहने दिए। अब निचोड़ करके गेंद उसने दे दिया, कहा लड़की से ले ले जा यहां से और भाग जा, किसी को पता न होना चाहिए। बंधुओं इधर में वो गेंद लेकर के लड़की वहां से रवानी होती है, आहा दौड़ती हुई गई और महल में पहुंची अपने कमरा में जाकर के। बंधुओं क्या करती है, अरे भीम के मुख में अरे जब गेंद रे निचोरी के भैया डारी, जब भीम के मुख में गेंद रे निचोरी के वीरन डारी। इधर तो मंत्री ने मिसल मिसल करके निचोड़ के दिया था, अब बाऊ गेंद भैया दांती पीस करके मिसलने लगी है, तो भैया हुआ क्या है।
अरे भीम के मुख में गेंदा रे निचोर के भैया डारी, ये भीम के मुख में गेंदा रे निचोर के भैया डारी। अब कुंती के छोना ने देखो आंख आज उघारी, ए कुंती के छोना ने देखो आंख आज उघारी। आज एक आध बूंद जो ही जिब्या पे गई है, अह अमृत का असर हुआ, अब तो पलक पीटने लगा है भैया भीम। महाराज भीम जब ठाड़े है गए और पर्वत जैसो लखे के देखो जाड़ो चढ़ गए, अरे पर्वत जैसो चढ़े के देखो जाड़ो चढ़ गए। जैसे याद बंधुओ भीमसेन भैया खड़े वो तो पर्वत जैसो है, कमरा की छत से सर लग जाता है। अब हुआ क्या, हाँ हाँ मेरी गुइयारी भाई संकी सहरी देख रही छुप छुप के और देख करके कहने लगी, हाँ हाँ मेरी गुइयारी आज 600 बलमा जाने ढूंढो है। प्रकार से कहने लगी, अरे बहना हाय जो कोई मानुसो के पर्वत हो, बड़ा सुंदर जान देखियो, हाय भगवान जन का करेगी जात। आज भीमसेन ने जो निगाह पसार के देखा है तो सामने बंधुओं कमरा में इधर उधर को देखता है। अब देखिए अहलम दे वो खुशी से सिंगार पहनती है और सिंगार सजा करके भीम के सामने आज आती है बंधुओं, तो क्या दशा होती है के चंदा सोमुख अरविंद सो बाहू कहीं न जाए, चंदा सोमुख अरविंद सो बाहू कहीं न जाए, के चंदा सोमुख अरविंद सो बाहू कहीं न जाए, के चंदा तो मुखार बिंद सोबाऊ कहीं ना जाए। ओ मृगा जैसे नैनन में कजरा दियो है लगाए, मृगा जैसे नैनन में कजरा लियो है लगाए। धीरे 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 भैया तूफान आहा, अब विभाग को समय आ रहा है, लड़की पे जवानी है सिंगार को बनाए रही है। अरे जोबन जैसे बाकी जाने अंगिया लिए है चढ़ाए, ओ जोबन जैसे बाकी जाने अंगिया लियो है चढ़ाए। और क्या के नागनी ने नागनी सी लटलिनी बिखराए, नागनी ने नागनी सी लटलिनी लटकाए। आज बंधु हाय हाय माथे पे तिलक लाल सोबाहू कहीं ना जाए, माथे पे तिलक लगाए लो होठ रचाए ले कानन में वाला पहने हैं, आय हाय हार को पहन लियो है आखिन में कजरा लगाए लो, और भैया का दशा है जाकी होठ लाल लाल है रे आंखें मृगा जैसी है दांत अनार के सिदाने, आए हाय और क्या और क्या। अरे जोवन में भरपूर हूर समूह चंद्र बदन उजियारी सी, और क्या नाम है कौन गाम है गोरी चितवन कारी सी, गोरी चितवन कारी सी है, गोरी चितवन कारी सी। अरे कौन गाम का नाम है गोरी चितवन तेरी कारी सी,
ऐसे ही सोलह श्रृंगार करके भीम के समीप कमरा में पहुंची है। हाय हाय, आगे बढ़ गया है भीम, कहने लगा हूर की सिफरी, मैं कहां था कहां आ गया, ये कौन है? ए कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? तुम्हारी चितवन बड़ी प्यारी है, अब तो ऐलम दे मुस्कर आ गई है। हाय देखो कैसी बातें आमन लगी जिन्हें, तब तेनाई कछु बोल ले, अब तो बोलन लगी। आज बंधुओ इधर में देखिए क्या होता है, भीम कहने लगो पिया क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ तुम मेरे पिया, मुझे भोलेनाथ ने सब कुछ बता दिया है। अच्छा एलम दे बोली तुम भी तो बता दो। अरे मेरे भैया दुर्योधन ने अब जहर के भोजन करवाई, और सुनो अरे फिर महलन में बुलाए के मोकू भोजन से करवाई। या नागिन जैसी तू लटक खाती भैया, नागिन जैसी तू लटक खाती, नीचे हाय वाला खाई रही, और तेरा कीन चितवन तेरी सूरत मेरे दिल में समाई गई। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, नंद नंदन घन श्याम भज मन श्री राधे। इधर में नागिनी श्रृंगार करके जब भीमसेन के सामने आई, अपना परिचय दिया और उनका लिया, तो भीमसेन कहने लगा है अजी सुनती हो, तुमने हमें पिया मान ला है? बोले हाँ, तुम हमारे पिया हो? बोले ऐसे कैसे हो जाएंगे हम तुम्हारे पिया, अभी विवाह तो हुआ ही नहीं। अरे भामर पड़ेंगी, उसके बाद जब तुम हमारी बरनी होगी और हम तुम्हारे बरना। भीमसेन कहने लगा है कि सुनो, पहले हम तुम्हारे पिता से परिचय करेंगे। एकदम से कहने लगी सैया तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? अरे जैसे तैसे तो मैंने तुम्हें जाय पायो, और तुम कह रहे हो मेरो बाबुल बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं और उनका क्रोध अपार है। भीम कहने लगे तो हम भी कम नहीं पड़ते। तो बंधुओं आज देखिए भीमसेन चल देता है और क्या होता है। धीरे 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 भीम जब कचहरी की ओर बढ़ा है वासिक, और इधर में नागिन सैया सैया कहकर के पीछे पीछे, लेकिन भीम नहीं रुका है। तो जो ही वासिक की निगाह पड़ी है, एकदम से देखा है, ओहो, तो भीम ने कह दिया ये कौन? मृत लोक का जो इंसान है वो पातालपुरी में आ चुका है, पकड़ लो इसको, जिंदा न जाने पाए। अरे जितने नाग तेरे वासिक के सब भीमा पे पड़े दिया राय।
ने नागा तेरे बासी का के सब भीमा पे पड़े रे यार राय। अरे प्रिय जान लयो रे भीमा ने अब यहाँ जान बचेगी ना। फिर जब जान लिया रे भीमा ने अब यहाँ जान बचेगी ना। अरे भोजाओ पर हो रे आगे को तीन मारा मार मचा। आज बंधुओं जो भीमसेन को घेर लिया चारों तरफ से और भैया नाग सन्नाने लगे हैं फुसकार मारने लगे हैं। भीमसेन ने जान लिया कब मेरी जान नहीं बचने की। अरे भोजा हुआ था ये पर हो रहा तो दिन मारा मारो मचाए। अरे काऊ नाग के भूसा मारे काऊ के लात दे तू जमाए। काऊ नाग के भूसा मारे काऊ में लात तो दे तू जमाए। दशा करती है अरे एक कु मारे दू मरे जावे तीसरो खोप खाए मरे जाए। एक कु मारे दू मरे जावे तीसरो देश खाए मरे जाए। बड़ के भीमा चलो ये गाड़ी पंचो सुनियो ध्यान लगाए। बड़ के भीमा चलो ये गाड़ी पंचो सुनियो अरज हमार। अरे पूरब ते धरे हरैया सो पश्चिम में दे उतारे। पूरब ते तो धर तू हरैया और पश्चिम में दे तू लगाए। अरे पंचो सुनियो कान लगाए। अरे ये सोयो तो भयो जो भैया अरे सब चटनी से दही बनाए। ये सोयो तो भयो भैया सब चटनी से दही बनाए। आज मेरे भवत प्रेमियों इधर में किसी को मारता है और किसी को पामों से मारता है तो किसी को हाथों से मारता है। चटनी जैसी नागों की बना दी है। बासुक देख रहा है कि ये बढ़ता ही आ रहा है और नागों के इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो बंधुओं हुआ क्या है। अरे घूमते जावे अबुआ देखो और ये थारो बराबर जाए। अरे मारो झटपटा जब ये भैया के मारो झपटा जब बास कने। अरे कमर लपेटा दयो लगाए। मारो झपटा जब बास कने कमर लपेटा लयो लगाए। गर्दन पकड़ लई रे भीमा ने पंचो सुनियो ध्यान लगाए। गर्दन पकड़ लई रे भीमा ने पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे तो घबरायो बास कुमन में और देखी हर सो ध्यान लगाए। घबरायो बास कुमन में पंचो सुनियो अरज हमारा। अरे पार्वती और शंकर फौरन वहाँ पर भैया पहुँचे आए। शंकर और पार्वती फौरन वहाँ पे पंचो पहुँचे आए। अरे त्रिशूल मारो या जो घुमा के अरे सो भीमा में दयो जमाए। अरे मूर्छित है गौ भीमसेन तब अरे इतमे नागिन रही जगाए। आज बंदो देखी इधर में गर्दन को पकड़ लिया है बासुक की। अब तो जब बासुक घबराने लगा है तो भगवान भोलेनाथ को बुलाया है। तो भोलेनाथ और पार्वती दोनों यहाँ आई है। तो मेरे बंधु इधर में पार्वती ने कहा है कि स्वामी अरे आपने ही तो वरदान दिया था और आप ही यहाँ अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए दूसरे के प्राण ले रहे। इधर भी तो जीवन दान दिया है आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए भोलेनाथ आपको।
पार्वती कहने लगी है तो इधर में भोलेनाथ बोले हैं कि हे पार्वती, भाई मेरा ये शिष्य है और इसने मुझे बुलाया और मैं आया, लेकिन इसके पेट में अमृत है, उस अमृत को मैंने सोका है। लेकिन बंधुए देखी इधर में अहलम दे रोने लगी, भोलेनाथ भोलेनाथ आपने ये क्या किया, अरे याद करो आपने ही मुझे वरदान दिया था, लेकिन मेरे पिया को मैंने जैसे तैसे जिंदा कर पाया और तुमने मेरे पिया के प्राण ले लिए। तो बंधुओं आज भोलेनाथ ने समझाया कि हे वासिक, हमारा कहा मानो, अपनी बेटी अहलम दे का विवाह और भीम के साथ कर दी, हम इसको जीवन दान देते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में भोलेनाथ ने जब बिटिया हट पड़ जाती है तो वासुक को समझा दिया है और किस प्रकार से यहां भामरे पड़ती हैं। तो देखिए नागलोक में तो पहले उठ करके जब जीवन दान मिला उसको तो सोचने लगा कि मैं इसके लिए अब यहां कुछ आगे छोड़ूंगा ही नहीं। तो भीमसेन पहले पड़ेगो सीधो कहां, सुधा कुंड पे। तो जितना अमृत था मेरे बंधु सबको निचोर के और पी के आया है। और फिर आया उधर से वासिक से कहा मैं आ गया हूं अब तैयारी करो। तो इधर तैयारियां होती है बंधुओं, तो अहलम दे पे इधर में तेल यानी हरदी चढ़ रही है, बरनी बना रहे हैं। और इधर में औरतें उसकी सखियां क्या गाने लगी हैं, अरे छरजे पे बैठी नारी पांडवनी गावे गारी, छरजे पे बैठी नारी पांडवनी गावे गारी, छरजे पे बैठी नारी पांडवनी गावे गारी, छरजे पे बैठी नारी। के अम्बे और अम्बिका जाई तो नाम, अम्बे और अम्बिका जाई दौरानी के नाम, अम्बे और अम्बिका जाई दौरानी के नाम, अम्बे और अम्बिका जाई दौरानी के नाम। क्या चित्र विचित्र मर गए बाबा मिट गए पंच निशान, सोच मन भयो भारी चरजे पे बैठी नारी पांडवनी गावे गारी, चरजे पे बैठी नारी। और कहने लगी वंशहीन देखो रानी ने लीने व्यास बुलाई, वंशहीन देखो रानी ने लीने व्यास बुलाई, वंशहीन देखो रानी ने लीने व्यास बुलाई, वंशहीन देखो रानी ने लीने व्यास बुलाई। और नंगी है के आगे निकली लाज शरम जराई, बेशरमाई इन्ने धारी चरजे पे बैठी नारी पांडवनी गावे गारी, चरजे पे बैठी नारी। के अंधपंड भय दोनों देखो और एक पिता दो माई, अंध पंड भय दोनों उनके एक पिता दो मात, अंध पंड भय दोनों उनके एक पिता दो मात, अंध पंड भय दोनों उनके एक पिता दो मात। और तुम तो पांच जने को ताने बेसो है कैसा, के जन्मे रानी गांधारी छरजे पे बैठी नारी पांडवनी गावे गारी, छरजे पे बैठी नारी पांडवनी गावे गारी, छरजे।
राजे पे बैठी नारी। इस प्रकार से भैया जो ही जो नार जो गाई है इन्होंने तो एकदम से भीम खड़ा हो जाता है, कहने लगो अरे ये ब्याह ब्याह क्या धोरे गो, ऐसी गाली हमें ना चाहिए, अब तो तुम जल्दी से और भामरे डरवा दो। सो मेरे बंधुओं अब सखियां जुर्मिर के अहलम देखो मंडप के नीचे लेके आई, लेकिन इधर में बासक ने नागों को सिखा दिया कि भामर यानी भामर दांत में ही जाए डस लियो, ये जिंदा नहीं जाने पावे यहां से। सब नाग समझाए के तभी तक लगाए दे, अब देखिए भामर डरे मेरे बंधु देखिए क्या होता है। अरे मेरी पहली भमरिया होई अब तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया होई अब तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया होई। ध्यान दीजिए के पहली भामर पर के जब दूसरी पे नंबर आयो, हे पहली भामर पर के जब दूसरी पे नंबर आयो, अरे पहली भामर पर के जब दूसरी पे नंबर आयो, हे पहली भामर पर के जब दूसरी पे नंबर आयो, एक नाग कौन ऐसे झपटो भीम जांगा में खायो, भीम गिर गवायन में लगी पहली भमरिया हो अब तो बेटी बापई की, लगी पहली भमरिया हो। जैसे ही भीम को जांग में नाग ने खाया पलट करके भीम गिरा पे अहलम ने कहने लगी ए पिताजी ये क्या करते हो, हाय हाय तोनो का करो भैया के अमृत लेके जब बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के अमृत लेके जब बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के अमृत लेके जब बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के अमृत लेके जब बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के तीसरी भामर पूरी है गई चौथी पे नंबर दो आई, के भीम खुश भयो भामे लगे मेरी पहली भमरिया होई अब तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया होई अब तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया होई। तो ध्यान दीजिए बंधुओं देखिए अब क्या होता है के चौथी भामर पर के जब पांचवी पे नंबर आयो, के चौथी भामर पर के जब पांचवी पे नंबर आयो, के चौथी भामर पर के जब पांचवी पे नंबर आयो, के चौथी भामर पर के जब पांचवी पे नंबर आयो, के एक नाग कोने से झपटो भीम नाग में खायो, भीम गिर गो आंगन में जल, पहली भमरिया होई अब तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया होई अब तो बेटी बापई की। जैसे ही भीमा को नाक में डसा है तो एकदम से तुम्हारा आने को हुआ एलम ने कहने की पिताजी हाँ हाँ बंधुओ के अमृत लेके फिर बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के अमृत लेके फिर बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के अमृत लेके फिर बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के अमृत लेके फिर बासक ने ऊपर दो छिड़काई, के छतई भामर होने लगी नागिनी मन घबराई, भीम उठाड़ो भाव मन में पहली भमरिया रे अब तो बेटी बाप
मेरी पहली भमरिया रे, आवई तो बेटी बापई की मेरी पहली भमरिया रे। ध्यान दीजिए मेरे भवत प्रेमियों, भामर हमारी पूरी बनने के लिए जा रही है और भीम का विवाह बेस कैसेट व वीडियो की तरफ से हमने आप लोगों को सुनाया। और ध्यान दीजिए क्या छतई भामर पर के जब सातमी पर नंबर आयो, क्या छतई भामर पर के जब सातमी पर नंबर आयो, क्या छतई भामर पर के जब सातमी पर नंबर आयो, क्या छतई भामर पर के जब सातमी पर नंबर आयो, एक नाग तो ऐसो आयो भीम जांग में खायो लात जाके मारी फन में। मेरी माताई भमरिया रे, के अब तो बेटी साजन की, मेरी साताई भमरिया रे, के अब तो बेटी साजन की। अरे लीला पूरण भैया हमारी, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे भूल चूक चू हम तो जो है गई, मेरी गलती माफ है जाए। जैसी आई तुम्हें सुनाई, मृतक सीर माफ है जाई। आप लोगों को सुनाया।